गंजीपेट के काजीपुरा बस्ती के नागरिकों को पिछले 15 दिनों से नलों में आ रहे गंदे मैले पानी से सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अफसोस केसौर मनपा प्रशासन या पदाधिकारियों का ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में OCW के खिलाफ तीव्र नाराजगी है। शहर के नागरिकों को मूलभूत सुविधा सुचारू ढंग से देने का काम नागपुर महानगर पालिका का है। बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छा साफ सुथरा पीने का पानी देने का काम NMC के अंतर्गत काम करने वाले OCW इस कंपनी का है, लेकिन शहर के कुछ बस्ती में वहाँ के नागरिकों को अच्छे पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं गंजीपेट स्थित काजीपुरा बस्ती की। यहाँ के लोगों को पिछले 15 दिनों से नालों में आ रहे गंदे मैले पानी से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब यहाँ के नागरिकों ने OCW गांधीबाग के जोनल अधिकारी गुजर से बात, तो आज आएगा, कल आएगा, परसों तक अच्छा पानी मिल जाएगा, ऐसा टालमटोल का रवैया अपनाते हुए नागरिकों को अच्छा पानी देने की बातें कर रहे हैं। बस्ती के लोगों ने काफी इंतजार भी किया, लेकिन जब फिर से गंदा मैला पानी नलों में आने लगा तो उनका सब्र टूट गया और उन्होंने BCN की टीम को OCW के जोनल अधिकारी की शिकायत की। इतना ही नहीं तो लोगों ने मोबाइल से अधिकारी को फुटेज भी बताए और मैसेज भी किया, लेकिन OCW के कानों पर जूं नहीं रेंगी। इस गंदे मैले पानी के बारे में काजीपुरा बस्ती की महिलाओं ने BCN टीम से बातचीत की। दर्शकों नमस्कार, इस समय में BCN की टीम गंजीपेट के काजीपुरा में है। हम आपको बता दें कि इस बस्ती में तकरीबन सैकड़ों से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, मगर अफसोस के आए दिन उन्हें गंदा मैला पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कुछ ऐसी बात हुई है इस परिसर में, जहां पे प्रतिदिन पिछले कई दिनों से इनके नलों में गंदा मैला पानी आ रहा है। आखिरकार ये पानी क्यों आ रहा है और इससे कितना बुरा असर यहां के लोगों पे हो रहा है, यही जानने के लिए आज BCN की टीम आई हुई है। आइए हम सीधा रुख करना चाहेंगे, इस परिसर की कुछ महिला से बात करते हैं। मैडम, ये बताइए कि क्या कहना चाहोगी, किस प्रकार का पानी आ रहा है और क्या शिकायत है आपकी? पानी गंदा आ रहा है, नल का पानी 15 दिन से गंदा आ रहा है हमारे यहाँ। तो इसकी शिकायत को मेंबर के इधर करे थे, लेकिन वो अभी तक तो कुछ बताए नहीं, कुछ नहीं। तो क्या रोजाना गंदा मैला पानी आता है कि कभी कभार आता है? सुबह भी आता है और सुबह का पानी तो हम भरते ही नहीं, क्योंकि 4 बजे भी नल आता, हम 4 बजे देखते तो पानी गंदा आता। अब आप क्या कहना चाहोगे? हमारे यहाँ पानी अच्छा आने को होना, साफ सुथरा, बस। गंदा मैला पानी आ रहा है, ऐसा इनका कहना है। आइए और भी कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइए आप क्या क्या कहना है? पानी को साफ करना चाहिए, 15 दिन से बहुत गंदा पानी आ रहा है, भरने में तकलीफ हो रही है हमको। उसमें गटर की बहुत ज़्यादा वास आ रही है और हम लोग 4 बजे का ही पानी ज़्यादा भरते, यूज़ करते, सुबह का पानी लेते नहीं। ये पानी रोजाना आ रहा है कि कभी कभार आता है? नहीं नहीं, 15 दिन से कंटिन्यू आ रहा है। फिर 15 दिन से आप पानी पिए कि नहीं पिए? ले वापर रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं पीने का, आखिरी का पानी थोड़ा ले रहे हम लोग, बस। शुरू का पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा आ रहा है। इस गंदे वाले पानी पीने से कितने लोग बीमार हो चुके हैं? अभी बीमारी मारी का कुछ नहीं, हम लोग ने ज़्यादा डब्बे का पानी यूज़ कर रहे पीने के लिए, तो हम लोग बाहर का डब्बे का पानी यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं, टैंकर नहीं, डक कैन। लोग कैन का पानी पीने पे मजबूर है, जब गंदा मैला पानी आ रहा है और कोई अधिकारी हो या कोई भी हो, इस OCW से जुड़े हुए लोग, वे ध्यान नहीं दे रहे, जिसके कारण इसका बहुत बड़ा नुकसान इस परिसर के नागरिकों पे हो रहा है और गंदा मैला पानी इनके नलों में आ रहा है, जिसके चलते कोई भी अपने कामकाज नहीं कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप बताएं कि जिस तरह से आपके परिसर में जो गंदा मैला पानी पिछले 15 दिन से आने की शिकायत की गई है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? यहाँ कोई यहाँ के पार्षद हो या क्या कोई OCW के अधिकारी, इन्होंने विजिट किया है क्या और आपने किसी से शिकायत की है क्या? मैंने OCW के अधिकारी से शिकायत की है और उनको मेल भी किया OCW को, और जो उनके जोनल मैनेजर है गांधीबाग जोन के जोनल मैनेजर, उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं करे, और उसके बाद में उनको मैंने वीडियो गंदे पानी का और फोटोज़ ये भेजा हूँ, उनका रिप्लाई नहीं आया। और उनका मैंने जो टोल फ्री नंबर होता है, टोल फ्री नंबर पे बात किया तो उन्होंने कहा कि OCW टीम दूसरे दिन आके आपके यहाँ ये इन्फेक्शन या इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है
और मुझे काफ़ी फ़ोन आए और मैं खुद जाके जोनल ऑफिसर से मिला। उस वक्त वो मीटिंग में थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है योगेश गुजर, गांधीबाग जोन के ये मैनेजर है, ये योगेश गुजर जी। और एरिया मैनेजर, एरिया इंजीनियर से मिलने की कोशिश की लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। तो फिर मैंने योगेश गुजर की तरफ गया तो वहाँ पर वो मीटिंग में थे और वहाँ से मैंने उनका नंबर लिया। ये देखिए पानी, और ऐसे ही मैंने उनको फ़ोटो और वीडियोस भेजा लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला OCW की तरफ से। कहा गया कि भैया आपके घर दूसरे दिन OCW की टीम आएंगी, लेकिन अभी तक के कुछ नहीं हो रहा। शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार हो गया। तो अब आप क्या चाहते हो? अब मैं चाहता हूँ कि पानी अच्छा है। अगर पानी अच्छा नहीं आया तो OCW के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। ये जनता है, जनता तो ऐसा है ना साहब, जनता किसी को बनाती है या बिगाड़ती है, तो हमको भी इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है ना, हद से ज़्यादा जो है बात जो है हद से गुजर गई है। 15 दिन बोले तो बहुत ज़्यादा हो जाता साहब। तो इसकी शिकायत आपने महापौर से नहीं की? नहीं, महापौर से नहीं की मैंने अभी तक शिकायत। मनपा प्रशासन से नहीं की? नहीं, मनपा प्रशासन से नहीं की। लेकिन OCW ने मुझे आश्वासन दिया ना, उनकी टीम आएंगी, बोले नहीं आई। उनके जोनल मैनेजर को कॉल जाता है, मेरा एक साथी मेरे को कॉल करता है, उनको बोलता है, तो बोले उन्होंने हमको ये फ़ोन करना चाहिए था कि टैंकर भेजना चाहिए करके। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। ये आप जो काम कर रहे हैं, OCW के जितने पदाधिकारी, किसके लिए काम कर रहे हैं? जनता के लिए काम कर रहे हैं ना। तो उनका काम नहीं, बोले जनता का कॉल रिसीव करना या कुछ वो भेज रहे हैं तो उस पर ध्यान देना। तो ये गलत बात है बहुत। आप जो पानी जो खरीदती हो, कितने की बोतल होती है? वो 30 रुपये कैन है। 30 रुपये कैन है, दिन भर की एक कैन लगी जाती है। और क्या, कितने लोग हैं इस परिसर में? काफ़ी लोग हैं ना, पूरे मकान है यहाँ से जुड़े हुए हैं। ये लाइन में काफ़ी मकान है और एक ही लाइन है वो पानी की जो गंदा आ रहा है। तो एक ही लाइन से पूरा, एक ही लाइन से ये पूरा गंदा मैला पानी आ रहा है, जिसके चलते कई लोग प्रभावित हो चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस समय में BCN टीम के हाथ में यही वो गंदा मैला पानी है। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, थोड़ा पैन करके बताइए कि देखिए इस तरह के पानी पीने पे मजबूर है गंजीपेट के क्षेत्र में आने वाले काजीपुरा परिसर के ये तमाम लोग। ईश्वर प्रशासन ध्यान देने की गुहार इन्होंने लगाई है। OCW के झोनल अधिकारी पराग गुजर है, उनसे भी शिकायत की, योगेश गुजर, उनसे भी ये शिकायत की गई है। आने के वादे किए गए मगर अब तक के वे आए नहीं हुए और ना ही कोई सुधार किया गया है। हो सकता है कि कोई पाइपलाइन फटी हो या उसका कुछ काम अच्छा सा किया जा रहा हो, लेकिन ये पूरी तरह से कामकाज नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों को इस तरह के परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द से जल्द ये कामकाज नहीं होता है, अगर लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है, तो यकीनन आने वाले दिनों में यहाँ के लोग बड़े पैमाने पे बीमार भी हो सकते हैं। क्योंकि ये एक दो व्यक्ति के घर में पानी नहीं, बल्कि पूरे बस्ती के एक लाइन में ये पानी आ रहा है और कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है। ऐसे में एक तरफ कोरोना की मार झेल रहे हैं नागरिकों के साथ, इस तरह का ये दूसरा व्यवहार होने जा रहा है। मगर अफसोस के OCW ध्यान नहीं दे रही है। OCW ने जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए और इन लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, इसके लिए अच्छे कदम उठाकर इन्हें शुद्ध पीने का ताज़ा पानी मिलना चाहिए। यही मांग इस परिसर के तमाम लोगों ने BCN टीम से की है। अब देखना ये होगा कि OCW आगे क्या कार्रवाई करती है और लोकतंत्र में जीने वाले इन लोगों के साथ क्या सही मायने में इन्हें पीने का पानी मिलता है, या फिर OCW हो या मनपा प्रशासन इनको बीमार गिराने पे उतारू हुआ है क्या, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से गंदा मैला पानी जो आ रहा है, इस और मनपा प्रशासन ध्यान दे, OCW ध्यान दे, अधिकारी ध्यान दे, महापौर ध्यान दे, यहाँ के विधायक उन्होंने ध्यान दे, पार्षद भी ध्यान दे, क्योंकि लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं मगर अब तक के कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो मनपा प्रशासन या OCW पे लोग आखिरकार भरोसा करें तो कैसा करें, एक सवाल अब भी उभर कर आया हुआ है। लोगों के कामकाज आए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे, और उनका स्वास्थ्य यदि अच्छा रखना हो तो शुद्ध ताज़ा पानी इनको मिलना चाहिए, यही समय की मांग है। गंजीपेट के काजीपुरा से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।